Ah-ha! Mada! ₹160 रुपए का। हिंदुस्तान न्यूज की गजट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ए आर रहमान सफी। आज हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पे दिल्ली की मशहूर मार्केट है, ये तो महिलाओं की मार्केट है और ये सीलमपुर की बड़ी मार्केट कहलाई जाती है और पास में ही सीलमपुर थाना भी है। हम आपको बता दें, ये जो दुकान आप देख रहे हैं यहाँ पे वही चर्चित व्यक्ति है जो खाला बाजी आपा के नाम से महिलाओं को आकर्षित करके कस्टमरों को बुलाता है और किस तरह से वो देखते ही देखते रात और दिन में फेमस हो गया, वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम उसके पास आए थे। पना मामिर है, उसकी उम्र 27 साल है और वो अलीगढ़ का रहने वाला है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, सोनी मलिक आ गई 160 रुपए का। हाँ हाँ मजा 160 नहीं बात, 350 आप 12 ले लो। 160 रुपए का। 160 रुपए का। क्या नाम है तेरा? आमिर, ये बताइए कि ये जो बेचने का जो अंदाज है वो आपने कहीं से कॉपी किया है या खुद से ही आपने? मैंने खुद अपने आप ही कराई काम। अच्छा, तो पैसा लग रहा है। अब आप बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति है इस समय। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कुछ थोड़ा सा। तो आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे चाहता हूँ मैं कुछ थोड़ा बहुत अपने घर वालों को करके दिखा दूँ। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में क्या करा। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि आप यही दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रहने वाला अलीगढ़ का हूँ। अलीगढ़ के हैं जी। ओके, दो पैसे कमाने के। यहाँ कितनी सैलरी मिलती है आपको? यहाँ मुझे 400 रुपए मिलते हैं रोज के। रोज के 400 रुपए। आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे चाहता हूँ कुछ अच्छा अपने घर वालों को करके दिखाऊं। तो समाज को अपना मैसेज देना चाहेंगे अगर आगे बढ़ने के लिए, तो वो क्या मैसेज होगा आपके लिए? अब देखो, चो अल्लाह करा दे मुझे टाइम पे, मेरे पास पैसा देने कुछ नहीं है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, जाहिर सी बात है कि दूर दूर से आपके पास लोग आ रहे हैं जी, तो आपका कैसा फील हो रहा है? मेरे दिल में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। आखिरी बात ये, जिस प्रकार से आप सुरीली आवाज में कस्टमर्स को आकर्षित करते हैं, एक बार उसी तरह से कुछ लड़कियों का नाम ले करके, कुछ महिलाओं का नाम लेकर आकर्षित करें एक बार। आहा, बाजी, खाला, आपा, बुआ, ₹160 रुपए का। साथ साथ बहुत रश वाली मार्केट है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे लगातार ये सारी चीजें हैं। और एक बात ये भी बताई जाती है कि आमिर जो है वो ये कह रहे हैं कि समाज के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साजिद कुरैशी। ये बताइए, आमिर को फेमस करने में आपका ज़्यादा नाम आ रहा है, तो ये कैसे आपने किया और कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा हुआ, मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगी थी तो मैंने मजाक में उनकी वीडियो बना के डाल दी थी। मैंने रात को डाली, मैं सुबह उठा तो उस पर 1.5 मिलियन व्यूज़ थे। तो ये आपकी आईडी किस नाम से है? मेरी आईडी है मिस्टर साजिद फिटनेस। तो क्या सोच से वीडियो बनाई थी आपने? मतलब मजाक? मैंने बस मजाक में बनाई थी कि इनकी आवाज़ अच्छी है तो मैंने डाल दी। अच्छा, आज ये चर्चा का विषय बने हुए हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें आपका एक अहम रोल है इसमें? नहीं, ये मेरा कुछ नहीं, उनकी मेहनत है ये। देखो, मेहनत इतनी करते मैंने इस वजह से उनकी वीडियो डाली थी। अल्लाह चाहिए उनको फल भी मिलेगा उसका। अच्छा, आमिर कैसा लड़का है? आमिर अच्छा लड़का है और सीधा बहुत है बेचारा। अच्छा, तो मान लीजिए आगे चल के ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि वो आपको भी नहीं ढूंढे नहीं मिल पाएगा, तो उसके बाद आप कैसे कांटेक्ट करेंगे या कैसे उससे वार्ता करेंगे? नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इससे कांटेक्ट करूँ। ये बात ये है कि तरक्की करें, अच्छी बात है। अच्छा, दूर दूर से लोग आ रहे होंगे, बहुत आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मेरे पास भी बहुत कॉल आती है इनके, कि भाई मुझे मिलना है, मैंने आ सकते हो बिल्कुल। मैसेज भी आते हैं क्योंकि आईडी मेरे मैंने डाल लेके, तो मेरे पास ही कॉल आती है इनके नाम पे। अभी तक कहाँ कहाँ से लोग आए आमिर से मिलने के लिए? आमिर से तो खैर फिलहाल यूपी से ज़्यादा आ रहे हैं और लखनऊ से कॉल आ रही है, लखनऊ, हैदराबाद। अच्छा, आमिर की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज को, आमिर एक तो खैर देखो मेहनत बहुत करता है वो,
नहीं, जैसे कि उसने बताया कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, वो उनकी परिवार की थोड़ी स्थिति नहीं है, वो किराए पे रहते हैं, उनके दो भाई हैं जिसमें से ये काम करते हैं, शायद उनका बड़ा भाई, पता नहीं छोटा, उनको मैं जानता नहीं, इन्हीं को जानता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं जानता। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में मैं और कुछ जानता नहीं हूँ, बस मैं जो वीडियो बनाई थी मैं जब से जानता हूँ, उसके अलावा पहले। आमिर आपके पड़ोसी हैं? हाँ, मेरे पड़ोसी। अच्छा, जहाँ पे दुकान है वो पड़ोस में दुकान है? जी जी, पड़ोस में। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी बर्तन की दुकान है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। अच्छा, ये बताइए, ये इस मार्केट के बारे में पहले थोड़ा आप बताइए। ये मार्केट हमारी न्यू दिल्ली सिलमपुर लगती है, और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात आपको पूरी मार्केट ये मतलब ऑल ओवर सब मिलेगा आपको इस मार्केट में, सोने से लेके चांदी से हर आइटम हर आर्टिकल आपको यहीं मिल जाएगा, कहीं जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। दूर दूर। अच्छा, ये जो आमिर है, जी जी, ये कितना ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अरे जनाब, आमिर भाई तो इस टाइम भाई बहुत खाई जा रहे हैं, इस टाइम माशाल्लाह से बहुत मेहनत करी उन्होंने, मैं काफ़ी टाइम से उन्हें जानता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बेचारे दर बदर भटकते थे, कोई 200-300 पे भी इनको पहले जो पे नहीं लगाता था, आज वो इमरान भाई के पास आ गए, इतने खुश नसीब हो गए। इमरान भाई ने समझाया, सारी चीज़ बताई, सब हर चीज़ बताया। आज जो मेहनत उस बंदे की, वो सब कुछ इमरान भाई की बदौलत है। इमरान भाई के चक्कर में आज वो बंदा इतनी हाई पहुँचा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोग उनसे मिलने भी आ रहे हैं आमिर भाई से माशाल्लाह से, और बहुत लोग उन्हें जानते भी हैं। आज माशाल्लाह से आमिर भाई को आप देख सकते हो, आप क्या देखोगे, आप कोई भी सोशल मीडिया खोलो आपको आमिर भाई नज़र आएंगे, और आज आप उनको लाइव देख सकते हो हमारे सिलमपुर मार्केट में आके। कभी भी अगर आपको मिलना हो तो आप आओ, न्यू सिलमपुर मस्जिद अली के पास इमरान भाई के सामने दुकान है, बिल्कुल जस्ट आप आके कभी भी उनसे मिल सकते हैं। आमिर भाई से कोई लेन देन नहीं, और बंदे में कोई घमंड भी नहीं है। बहुत बंदे बताते हैं कि आमिर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, फेमस हो गया तो अकड़ हो गया, भाई ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखो आपको पता है रोजे रमजान चल रहे हैं, उस बंदे का भी रोजे रमजान है। अब 10 बंदे आते हैं, नई नई वीडियो डालते हैं अपने अपने आइडिया, तो चक्कर बंदा परेशान रहता है, और भाई दूसरे काम कारोबार पर भी फर्क पड़ता है ऐसे, इसने किसी को ना गलत बोले ना किसी को गलत बोलना चाहिए। यहाँ पे एक बात ये भी देखी जाती है, समाज के बीच में इस तरह के जो लोग बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं, तो उनका एक ये भी पॉजिटिव थिंकिंग ये भी रहती है कि वो अपने परिवार को लेकर भी चलें। जिस तरह आमिर ने अपनी बात को बताई है कि वो अपने परिवार को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, उसी के साथ साथ लोगों में समाज में एक ये भी चीज आती है कि काश हम भी ऐसे होते, लेकिन ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग रातों रात फेम बन जाए, रातों रात सोशल मीडिया के जरिए से वो लोग फेमस हो जाए, ये ना आप जानते हैं और ना ही हम जानते हैं और ना ही समाज का कोई भी व्यक्ति जानता है, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कब किसका डायलॉग। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बता दी कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको हुनर दिखाने का एक बेहतरीन मौका है, तो आपके अंदर जो भी हुनर है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से वो दिखा देना चाहिए, नहीं तो वो हुनर आपके अंदर दबा रह जाएगा, और एक दिन वो आएगा जब आप ये कहेंगे कि काश मैंने वो काम करके दिखा दिया होगा। तो हिंदुस्तान गैजेट की न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी हम आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।